हेलो दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा यार कि स्मार्टफोन मार्केट में कितना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। और दोस्तों, अगर बात करूँ यहाँ पर बजट 10,000 रुपये की यार, तो 10,000 रुपये में भी आपको यहाँ पर इतने ज़्यादा स्मार्टफोन्स देखने को मिलते, इतने सारे ऑप्शन है दोस्तों कि उनमें से यार कौन से फ़ोन को सिलेक्ट किया जाए और कौन से फ़ोन को निगलेक्ट किया जाए, ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आपकी इसी मुश्किल को आज हम यहाँ पर हल करने वाले हैं और आज हम आपको यहाँ पर बताएंगे 3 जबरदस्त दमदार स्मार्टफोन, जहाँ पर दोस्तों आपको यार सब कुछ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और गाइस, इसी के साथ में अगर आप चाहते हैं दोस्तों यार एक पावरफुल स्मार्टफोन, तो यार इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और हाँ गाइस, यार स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कोई भी रैंकिंग नहीं बताता हूँ। तो दोस्तों यार, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ गाइस, हमें सपोर्ट करने के लिए यार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन को जरूर से दबा दें, ताकि दोस्तों यार आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं गैजेट न्यूज़ हिंदी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर एक ऐसा ब्रांड, जहाँ पर ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता था पहले 9,000 में, लेकिन अब इसकी प्राइस को बढ़ा करके 9,500 रुपये कर दिया गया है। लेकिन गाइज, अभी भी ये अपनी प्राइस पर काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। गाइज, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इनफिनिक्स हॉट 10 की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 4GB रैम, 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज, जिसे आप एक्सपेंड कर पाएंगे 256GB तक। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है यार, यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी और डिज़ाइन भी दोस्तों यहाँ पर आपको पंच होल कटआउट के साथ में देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब यहाँ पर इस फोन की। तो यहाँ पर आपको मिलेगी 6.78 इंचेस की बड़ी HD+ की डिस्प्ले। और दोस्तों अगर बात करूँ कैमरा की यार, तो बैक में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे 4 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। और दोस्तों इसी के साथ में अगर बात करूँ यहाँ पर सेल्फी की, तो सेल्फी के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। और गाइज, सबसे अच्छी बात यार, यहाँ पर भी आपको इमेज क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर इसके बैटरी की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगी 5200 mAh की बड़ी बैटरी। तो गाइज, यहाँ पर यार आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप भी आसानी से देखने को मिल जाएगा। और गाइज, अगर मैं बात करूँ प्रोसेसर की यार, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक हीलियो G70 का प्रोसेसर। तो दोस्तों प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र है, बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको यार कोई भी परेशानी नहीं होगी। बहुत अच्छा यहाँ पर आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है 9,500 की प्राइस पर। अगर आप इन्फिनिक्स पर भरोसा करते हैं दोस्तों, तो यार आप इस फ़ोन को भी चेकआउट कर सकते हैं। और गाइज, इन्फिनिक्स के सब ब्रांड यानी टेक्नो ने दोस्तों एक और स्मार्टफोन लॉन्च किया है 10,000 रुपये में। और गाइज, यहाँ पर आपको मिल जाएगी यार मीडियाटेक हीलियो G80 की परफॉर्मेंस। और गाइज, परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको मिलती है 6,000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी। और गाइज, बाकी सारी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आपको सेम देखने को मिल जाएंगी। तो गाइज, अगर आपको यार इस ब्रांड पर भरोसा है, तो आप इस फ़ोन को भी चेकआउट कर सकते हैं। गाइस, ये फोन आपको देखने को मिलता है 10,000 रुपये में। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर अगले फोन की। तो अगला फोन है यार रेडमी की तरफ से, रेडमी 9 प्राइम। और गाइस, बात करूँ अगर यहाँ पर इस फोन की यार, तो ये बेस्ट ऑलराउंडर आपको यहाँ पर स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। गाइस, बात करूँ यहाँ पर इस फोन की यार, तो यहाँ पर आपको डिजाइन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, बहुत ड्यूरेबल डिजाइन है। और गाइस, यहाँ पर इसी के साथ में ये जो स्मार्टफोन है, ये आपको स्प्लैश प्रूफ डिजाइन के साथ में देखने को मिलता है। तो गाइस, इसका मतलब होता है कि अगर आपका फोन हल्के फुल्के बारिश या पानी में भीग जाता है, तो दोस्तों आपको यार थोड़ी सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका फोन बिल्कुल भी सेफ रहेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब यहाँ पर इस फोन की यार। तो यहाँ पर आपको मिलेगी 4GB रैम, 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज, जिसे आप एक्सपेंड कर पाएंगे 512GB तक। और दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा 10,000 रुपये में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इसके मेन फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलेगी 6.5 इंच की फुल HD+ रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले। तो गाइस, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और गाइस, बात करूँ यहाँ पर कैमरा की, तो बैक में आपको यहाँ पर 4 कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का। गाइस, सेल्फी के लिए यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों बात करूँ यहाँ पर इमेज क्वालिटी की गाइस, तो यहाँ पर आपको इमेज क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर बैटरी बैकअप की गाइस। तो यहाँ पर आपको मिलेगी 5000 mAh की बड़ी बैटरी, और जहाँ पर आपको USB Type-C की पोर्ट देखने को मिल जाएगी गाइस। और इसी के साथ में यहाँ पर आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पर आपको बैकअप भी 1 से 1.5 दिन का आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है दोस्तों। दोस्तों अगर बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मीडियाटेक हीलियो G80 का प्रोसेसर। तो दोस्तों बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में और गेमिंग में दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र है या बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये फ़ोन आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस फोन को भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन गाइस, अगर आपको यहीं पर ज़्यादा रैम चाहिए, तो आप पोको M2 को भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है, ये आपको देखने को मिलेगा 11,000 रुपये में। तो गाइस, आपके ऊपर है, आप इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं। बाकी जो स्पेसिफिकेशन है गाइस, वो तो आपको बिल्कुल भी सेम देखने को मिलेगी रेडमी 9 प्राइम और पोको M2 में। तो दोस्तों आपके ऊपर है, आप यहाँ पर कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं।
दोस्तों इस लिस्ट में जो सबसे आखिरी फोन है वो है Realme की तरफ से Realme Narzo 20। गाइस बात करूं यहां पर इस फोन की यार, तो यहां पर आपको डिजाइन बहुत ही डिफरेंट और बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ में बात करूं यहां पर इस फोन की यार, तो यहां पर आपको मिल जाती है 4GB रैम, 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं 256GB तक। और गाइस ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा यार 10,500 रुपए में। गाइस बात करूं यहां पर मेन फीचर्स की, तो यहां पर आपको मिल जाएगी 6.5 इंच की HD+ की डिस्प्ले जहां पर आपको ब्राइटनेस, कलर्स और व्यूविंग एंगल्स बहुत ही ज्यादा कमाल के देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ में दोस्तों बात करूं कैमरा की, तो बैक में आपको यहां पर ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे जहां पर मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का आपको यहां पर सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों बात करूं इमेज क्वालिटी की, तो यहां पर आपको इमेज क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी। और गाइस बात करूं बैटरी बैकअप की, तो यहां पर आपको मिल जाती 6000mAh की बहुत ही बड़ी बैटरी जहां पर आपको 18W की फास्ट चार्जिंग के साथ में USB टाइप सी की पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों यहां पर भी आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप आसानी से देखने को मिल जाएगा। गाइस अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो यहां पर आपको देखने को मिलता है MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर। तो गाइस यहां पर आपको थोड़ा सा अपग्रेडेड प्रोसेसर देखने को मिलता है गाइस, तो यहां पर आपको परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा कमाल की और बहुत अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपका बजट यहां 10 से 10,500 रुपये, तो आप इस फोन को भी जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस ये थी हमारी तरफ से टॉप स्मार्टफोन की लिस्ट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक करना ना भूले। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।